जिस तरह से ओम प्रकाश धनखड़ का यह बयान सामने आया है उसको लेकर अब एक विवाद भी शुरू हो गया है, और इस विवाद के बीच में तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। वहीं हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से अजय गुलिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोनलाइन पर। जननायक जनता पार्टी से अजय गुलिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, जिस तरह से ये ओम प्रकाश धनखड़ का बयान है, उन्होंने ये कहा कि कार्यकर्ताओं से पैसे जुटाए जाएंगे और इस बार धन्ना सेठों से पैसे नहीं लिए जाएंगे, आपकी पार्टी इस बयान को किस तरह से ले रही है? देखिए, ये तो कम से कम उन्होंने मान ही लिया कि पिछली बार उन्होंने धन्ना सेठों से पैसे लेकर के चुनाव में धन का बल का दुरुपयोग किया था। ये तो जब उन्होंने कहा कि इस बार नहीं जुटाए जाएंगे तो इसका मतलब उन्होंने पहले तो जुटाए ही। और ये लोग तो जो इनका कार्यकर्ता था जो काम ना होने की वजह से बिल्कुल नाराज था इनसे, उनको एक और झांसा एक और जुमला देने की बात है कि नहीं, आप हमारे साथ पूरी तरह इन्वॉल्व हैं और हम आपसे संपर्क करेंगे और आप और हम एक साथ मिलकर के काम करेंगे, इस प्रकार का एक जुमला कह लीजिए या फिर हवा हवाई बातें करने वाली बात है, वरना अन्यथा इनको जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से भाजपा को कोई सरोकार नहीं है। एक सवाल यहां से यह भी उठा कि कहा यह भी गया ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से कि जब धन्ना सेठों से पैसा लिया जाता है तो सरकार पर दबाव होता है, लिहाजा इस बार हम पैसा नहीं लेंगे धन्ना सेठों से। कार्यकर्ताओं से पैसे की बात कही उन्होंने कि चंदा जुटाएं, कार्य जो उम्मीदवार हैं उनके चुनाव में जो भी जरूरत पड़े उस कार्यकर्ता उसको पूरा करें, यानी कि क्या ये एक तरह से मान लिया जाए कि इस बार जो धन्ना सेठों से पैसा लिया गया था या तो सरकार पे दबाव रहा है? नहीं, ये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया ना। अब जिस प्रकार की बातें हैं, मैं ओम प्रकाश धनखड़ के स्वयं के विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करूं तो उन्होंने 5 गांव के रस्ते बंद करके सरकारी जमीन को प्राइवेट कंपनी के साथ बदलने का काम किया, और जो अभी लास्ट ये कैबिनेट की मीटिंग हुई उसके अंदर 5 गांव की जमीन बदलने के लिए कानून तुरंत बनाया गया और उसको मंजूरी भी दे दी गई, और उसके लिए प्रत्येक एकड़ उन्होंने रिश्वत के रूप में 10 लाख रुपए प्रति एकड़ उस कंपनी से रिश्वत के एवज में लिया। तो ये लोग तो हरियाणा प्रदेश के लोगों के गाड़े खून पसीने की कमाई को लुटाने में लगे हुए हैं, और ये बातें सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, अन्यथा इन्होंने काम सिर्फ धन्ना सेठों के लिए, बड़े बड़े बिल्डरों के लिए, बड़े बड़े व्यापारियों के लिए ही करना है, वरना किसान का, कमेरे का, मजदूर का, नौकरी पेशे का आज तक ना तो कभी कुछ इन्होंने किया और ना आगे करेंगे। अजय जी, इस बीच हमारे साथ रेणु भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई हैं। रेणु जी, एक बयान आया ओम प्रकाश धनखड़ का कि कार्यकर्ताओं से इस बार पैसे लेंगे, धन्ना सेठों से पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि अगर उनसे हम पैसे लेंगे तो सरकार पर दबाव बनता है, लिहाजा इस बार पैसे नहीं लिए जाएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी इससे पहले धन्ना सेठों से पैसे लिया करती थी, या अब से पहले जो पैसा लिया धन्ना सेठों से उसका दबाव